हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे 5 kVA ऑटोमेटिक प्लस मैनुअल वोल्टेज स्टेबलाइजर के बारे में, जो स्पेशली डीजे और घर के मेन लाइन के लिए इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम इसके सामने के पैनल को देख लें। ये रोटरी स्विच हो गया, जिसे हम लोग 1/8 रोटरी स्विच कहते हैं। इस पे 1, 2, 3, 4 से लेकर 8 तक के नंबर होता है। इससे हम लोग वोल्टेज को अपना रेगुलेट करते हैं, घटाते या बढ़ाते हैं। दूसरा हमारा हो गया ये रोटरी स्विच, जो आपके 1/4 रोटरी स्विच भी कहलाता है और सिलेक्टर स्विच भी कहलाता है, जिसे हम मेंस हाई, ऑटोमेटिक और लो करने का काम करते हैं। साथ में आप देख रहे हैं कि एक खूबसूरत सा NCS का डिजिटल मीटर लगा हुआ है और एक इनपुट आउटपुट चेक करने के लिए एक स्विच लगी हुई है और एक MCB लगा हुआ है, जिससे हम लोग स्टेबलाइजर को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। और बेसिकली इसका काम होता है शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड से बचाने के लिए। ये जैसा आप देख रहे हैं कि ये 5 kVA का है और ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों इस पर हम लोग काम ले सकते हैं। और ब्रांड जो नेम है ये हो गया पगारिया। एक्चुअल में ये असेंबल है, ये 3 kVA, 5 kVA, 8 kVA, 10 kVA, 15 kVA, सभी तरह का ये आता है। लुक वाइज आप देखेंगे तो सभी सेम ही मिलेंगे, बस फर्क होगा अंदर के ट्रांसफार्मर में। तो ये हो गया आपका ऑटोमेटिक प्लस मैनुअल वोल्टेज स्टेबलाइजर 5 kVA, इस्तेमाल में आप ला सकते हैं अपने घर के लिए और स्पेशली डीजे साउंड वालों के लिए ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। काफ़ी खूबसूरत है और इसके ओवरव्यू को हम दिखाएं तो ये कुछ इस तरह का दिखता है। वज़न में करीब करीब 20 से 22 किलो के आसपास में आएगा। और इसका ऊपर में आप देख सकते हैं कैबिनेट, काफ़ी हेवी कैबिनेट है। यहाँ पे एयर वेंटिलेशन के लिए होल्स दिए हुए हैं। साइड की बात करें तो यहाँ पे एयर वेंटिलेशन दिया हुआ है और ये आपको कैरी करने के लिए, हैंडल कैरी करने के लिए ये हो गया, मतलब कि इसको उठाकर इधर उधर करना हो तो उसके लिए हो गया। और बैक साइड में हम जैसा देख सकते हैं कि ये आपका इनपुट, ये आपका इनपुट कनेक्शन के लिए हो गया और ये आउटपुट कनेक्शन के लिए दिया हुआ है।